Hey everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब? तो टुडे आज हम देखने जा रहे हैं अभिषेक उपमन्यु जेलस ऑफ सब्जी वाला. एक्चुअली ये वाला जो वीडियो है फुल 1 आवर लॉन्ग ये स्टैंड अप होने वाला है भाई. फुल लाइक जो फुल शो होता है ना, जहाँ पे भी मतलब अगर क्या बोलते हैं उनका शो होता है, तो फुल शो यहाँ पे अपलोड किया गया है अभिषेक उपमन्यु ने. और उनके स्क्रिप्ट सॉरी इनके स्टैंड अप जो होते हैं ना, वन ऑफ माई फेवरेट्स अगर सच्ची में बोला जाए तो. आकाश ही ना, आकाश गुप्ता एंड अभिषेक उपमन्यु, इन दोनों के स्टैंड अप में जितना हंसी हूँ ना, मेरे फुल लाइफ टाइम में इतने कम टाइम में इतना ज्यादा मैंने कभी नहीं हंसा है. आई स्वेयर टू गॉड. सो लेट अस सी अभी अभिषेक उपमन्यु का स्टैंड अप इज गोइंग टू बी. चलिए देखते हैं. चलो सब सब्जी वाला आ गए तुम लोग. आ गए बड़े खुश हो रहे हो भाई? तो मैं ही होऊंगा, और कौन होगा? वेलकम फ्रेंड्स, फैंस और मेरे दो रिश्तेदार जो आज फ्री में आए हैं. यू आर नॉट वेलकम, यू आर चीप. फॉर द रेस्ट ऑफ यू हु पेड टू बी हियर, तुम लोगों का स्वागत है. और रिस्पेक्ट भी. शो शुरू करने से पहले मैं कुछ रूल्स बताना चाहता हूँ. शो के बीच में फोटो खींचना, वीडियो बनाना और मेरे होंठ छूना सख्त बना. शो के बाद मैं तीनों का मौका दूं. भाई साहब, शो 1 घंटे 10 मिनट का है, बीच में एक इंटरवल भी होगी, तो इंटरवल तक टॉयलेट रोक के रखना. पर अगर तुम्हें फिर भी बहुत आ ही जाए और तुम नहीं रोक पा रहे, तो देखो यार, हमने कहीं मेंशन तो नहीं किया कि सीट पे नहीं कर सकते. कर दो बेंच, इतने पैसे दिए, कर दो. इनफैक्ट मैं बाहर के तुम्हें रिश्तेदार दिखाऊंगा, उनके मुंह पे कर देना. और तुम दोनों कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करोगे, वो पेड ऑडियंस है, तुम्हारे मुंह पे कर सकते हैं वो. शो का नाम है जेलस ऑफ सब्जी वाला. हाँ? और शो का नाम से शो का कोई लेना देना नहीं है. क्यों यार? मैं अभी बता रहा हूँ, कल को तुम रिव्यूज में यह नहीं लिखते, एक भी जोक नहीं था प्याज पे. नहीं है प्याज पे कोई जोक नहीं. वेलकम टू द एनसीपीए. ये इंडिया के सबसे अच्छे और प्रेस्टिजियस वेन्यूज में से एक है, जहाँ इंडिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, एक्टर्स परफॉर्म कर चुके हैं. और आज मैं इस स्टेज की शोभा बढ़ाने के लिए इस प्रेस्टिजियस स्टेज पे सिर्फ एक बार गांड बोलूंगा. क्या नाम? ये वाला नहीं काउंट होता. बहुत ही बकचोदी, शो स्टार्ट करने का टाइम है. प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड प्लीज वेलकम मी. यो अभिषेक उपमन्यु. अरे अच्छा अच्छा, क्या बात है, बड़े मूड में आए तुम तो यार. अच्छा अच्छा, पेंडेमिक खत्म हो गया इसलिए खुश हो? पेंडेमिक खत्म हो गया पर अब बारिश आ गई है. ये कैसा मौसम चल रहा है मुंबई में? मैं मुंबई का नहीं हूं, मुझे नहीं पता था यहाँ आधा मुंह भी गीला हो जाता है कई बार. मतलब भाई बता दो क्या मौसम है यार. कल मैं 2:30 बजे निकला था कड़कती धूप में, 3 बजे रात हो गई. ये नया नया हुआ है, मुंबई में अभी आया हूं ना मैं. मुंबई का हूं नहीं, मैं पहले दिल्ली में रहता था और उससे पहले चंडीगढ़ में रहता था. ये सब बताने की जरूरत नहीं वैसे. मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है इंडिया में ना लोग बड़े ओवर इंटरेस्टेड रहते हैं. Yes. तुम्हारे बैकग्राउंड में yes, बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं लोग मुझसे, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप ओरिजिनली कहाँ को बिलोंग करते हो, आपकी मदर साइड कहाँ से है, आपके गोत्र का मतलब क्या है. भाई
मैं क्रोसिन लेने आया हूँ। दे दे यार ऐसे प्लीज। और मैं तंग आ गया ऐसे बता बता के यार। तुम उससे आपको पूछता ना कि आपका बैकग्राउंड क्या है। मैंने सोच लिया मेरा बैकग्राउंड है मेरा मूड। मेरा जो मन करता मैं वही बोल देता हूँ। क्या ही फर्क पड़ता है। कोई पूछता दिल्ली से, मैं दिल्ली से हैं। है पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स दोनों केरला के। साउथ इंडियन है दोनों। पर बच्चा हमने नॉर्थ इंडियन चाहिए था। तो मुझे पंजाबी बड़ा किया है। बहन बिहारी है अपनी। तुम्हारे घर में सारा साल फेस्टिवल ही नहीं खत्म होते। कभी दिवाली, कभी पोंगल, कभी छठ। बिहारियों का छठ होता है, मुझे नहीं पता था, बहन ने बताया। करते रहते हैं एक दूसरे से ना अपना कल्चर एक्सचेंज करते रहते हैं। वो मुझे अपने बिहार का बताती है, मैं उसे अपने हिमाचल का बताता हूँ। आप तो दिल्ली थे था, आप हिमाचल से हो। ऐसे होते हैं हम गुजराती लोग। गुजराती लोग अरे। मैं कहा चल बहुत बात कर ली तुझसे, जा रहा हूँ गुरुद्वारे, नमाज का टाइम हो गया। Amen. Oh भाई यार, ये बंदा बहुत डेंजरस है। एक्चुअली भाई इन चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है मेरे घर वालों को, वो बहुत सीरियस हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके। स्पेशली शादीशुदी के मामले में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आजकल मेरे घर वाले बोलने लग गए हैं बेटा बहू लाओ, बेटा बहू लाओ, बहुत हो गया। टिपिकल बंगाली फैमिली। जब मैं 21 साल का था ना, तब मेरे पेरेंट्स की बहुत कंडीशंस थी कि लड़की कैसी होनी चाहिए। अच्छा। हिंदू, ब्राह्मण, बह बह डकार ना मारती हो, पता नहीं क्या क्या चाहिए था इनको। और अपनी कंडीशन से हिल ही नहीं रहे थे कि नहीं यही होगा, मुझे आ गया इनको कंडीशन से कैसे हिलाना है। तुम इतना मना कर दो ना शादी के लिए, इतना मना करो कि तुम्हारी बढ़ती उम्र के साथ ना अपने आप ही हर साल एक एक कंडीशन ड्रॉप करते रहेंगे। सिंपल। तो मुस्लिम तक तो मैं ले आया हूं। तुम 10 साल और रुक जाओ, ये गे के लिए मान जाएंगे। और 15 साल रुक जाओ, मैं चाची पसंद है, कर लो यार तुम। कर लो बेटा, अच्छी चाचियां निकल जाती हैं 40 के बाद। ओह भाई। निकल जाती हैं लड़कियां, यही है घर वालों का मेन डर कि 30 के बाद लड़के निकल जाएंगी, निकल जाएंगे लड़कियां। मैं कहां निकल जाएंगे, हम भी वहीं निकल जाएंगे। ओ यार अभी से वहां तो वो लड़कियां। और आप तो बोल रहे थे कि बेटा सबके लिए एक बनी है, तो अगर मेरे लिए बनी है तो मैं शादी करूंगा तो वो भी नहीं करेगी ना, मेरे लिए बनी है ना। ये कैसी मेरे लिए बनी है, 30 तक बनी हो तेरे लिए। जहां तूने 30th बर्थडे का केक काटा, तूने घूमने खिलाने के लिए मैं होंगी नहीं वहां पे। नहीं गुड गुड, जब मर जाए तो ऐसे जोक के तुरंत बाद हंसने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं कोई कंपल्शन नहीं आता कि जोक खत्म हुआ हंसना शुरू कर दिया। तुम घर जाके हंसो, रात को नींद से उठो, हाँ हाँ सो जाओ फिर। ओके। अगर आप घर पे हंसते हो बता देना कि हंस रहे हैं हम, मैं उसको लाफ में काउंट करूंगा ना। मैंने अपने घरवालों को बोला मेरी शादी को छोड़ो, अपने कोलेस्ट्रॉल को देखो, आप शादी शुदी छोड़ो। मेरे घर वालों को बिल्कुल नहीं पड़ी अपनी फिटनेस की, बिल्कुल अपने फिटनेस में जीरो हैं, अनलाइक मी। मैं घुस चुका हूँ फिटनेस में। okay. हाँ हाँ मैं नहीं छोड़ूंगा फिटनेस को, पकड़ के रखूंगा फिटनेस को मैं। मुझे अभी पता लगा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने ना फिटनेस की रिसर्च करनी शुरू की
तो मुझे पता लगा कि बचपन से लेकर आज तक मैंने जो जो किया है ना, उन सारी चीजों से हार्ट अटैक आता है। गूगल के हिसाब से पता ही नहीं था मुझे ये, क्योंकि मैं इंटरनेट पे गया फिट होने। वो तुम्हारी हेल्प नहीं करते, वो तुम्हारी ही गलती निकाल देते। सो के कैसे उठते हो? ऐसे गलत। लेफ्ट से उठना था, दिल यहाँ होता है। ये बहुत ज़्यादा सुना है। 30 साल गलत उठ लिए। सेवन वेज यू आर ईटिंग कर्ड रॉन्ग। दही खाने नहीं आती मुझे। मैं फिर तो ये रास्ता बहुत लंबा है अभी यार। यार। तो तुम्हें चावल खाते नहीं देखा? वो तो मुझे पता है मैं गलत खाता हूँ। वो देखेगा स्क्रीन तोड़ के बाहर आ जाएगा भाई। चाहिए गलाई ना पकड़ ले। चबाएगा कौन? चबाएगा कौन? सॉरी भाई, खिचड़ी थी भाई, सॉरी। और क्या है गलत तरीका दही खाने का? भाई देवी कह रहा है दही में चीनी मत डालो। पता है भाई, क्योंकि चीनी खराब है। बेचारी दही क्या गलती है इसमें? अब कल को मैं दही में कोकेन डाल के खा जाऊं। अभिषेक जेल का गया, अरे बड़ी गलत दही खाई उसने यार। इतने दिन दही खा जाता था, नाक से दही खाने लग गया था। ओके चम्मच। ओके अगला वाला जो है विल बी वॉचिंग। अरे बहुत मजेदार है यार ये। एक्चुअली हम आप सबको ये फुल एपिसोड देखना चाहिए। आई एम लविंग इट, सच्ची में बोलूं आई एम लिटरली लविंग इट। बाय हाँ, मैंने एवरी टाइम ये होता है जब भी अभिषेक का देखती हूँ ना वीडियो या स्टैंड अप, जिस जॉब पे ये जो चीक्स है ना इतना दर्द करने लगते हैं। अभी इसको ठीक करने के लिए मेरे को इसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो अभी देखेंगे अगला भी इसका जो भी है आगे वाला भी, विल बी वॉचिंग इट टिल देन। स्टे ट्यून्ड। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको, ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट। थैंक यू।